देखते रहिए यूवीएन जीरो एट जिला अशोकनगर भादुरपुर से नीलेश चैन की रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार गिरते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह। मुंगावली भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर की गई फटाकेबाजी। मिठाइयां और लड्डू ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए कार्यकर्ता। मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी भादुरपुर में भी फोड़े जश्न के फटाके व भाजपा सरकार बनने की उम्मीद जाहिर कर मनाया जश्न। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट। कि पिछले 15 महीने में पूर्व में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ही सीटों से रह गई थी, जिस कारण कांग्रेस की सरकार यहाँ पर पिछले 15 महीने से चल रही थी। और हम सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो मूलभूत सुविधाएं देने की आमजन के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन्होंने सभी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हताशा की छा गई थी। किसान मजदूर सभी परेशान थे, युवा बेरोजगार थे, जिन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, वो भी नहीं किया। युवाओं पूरे बेरोजगार थे, जन कल्याणकारी जैसे पूरी योजनाएं बंद हो चुकी थी, जैसे उस कारण अब जो कांग्रेस में उठापटक चली और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अब हमारे सदस्य बन चुके हैं, उनके 22 विधायक अब जो उनके विरोध में चले गए कांग्रेस पार्टी के, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चला गया था और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कल दिया कि फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, तो कमलनाथ जी जान चुके थे कि हमारे पास पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है, जिस कारण आज उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर अपना स्वयं मुख्यमंत्री से इस्तीफा प्रेषित कर दिया। और अब क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश में अब सरकार बनने जा रही है। उस खुशी में हम भारतीय जनता पार्टी मुंगावली मंडल की समस्त कार्यकर्ता आज खुशी जाहिर करने के लिए आए हैं कि अब दोबारा से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जन कल्याणकारी सब योजनाएं चालू होंगी और सभी समाज का सभी सबका साथ सबका विकास जैसी हमारी प्राथमिकता रही है उस उद्देश्य से हम। धन्यवाद।